नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। सवाल मानसून सत्र का, और मानसून सत्र में जिस तरीके से हंगामा होने की उम्मीद जताई जा रही थी, कमोबेश उसी तरीके की तस्वीर यहां देखने को मिली। और एक बार फिर से वही तस्वीर, और कुछ यूं भी उन तस्वीरों का आलम रहा कि मर्यादाएं भी टूटी और इसके बीच सरकार के लिए परेशानी का सबब विधायक भी बने। मॉनसून सत्र का आखिरी दिन, दो सिटिंग और एक सिटिंग के बाद जिस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आई, उसने सबको पशुपेश में डाल दिया कि आखिर विधानसभा के अंदर भी अगर मर्यादाएं इस तरीके से टूटेंगी तो सवाल उठने लाजमी हो जाएंगे कि आखिर जनप्रतिनिधि किस तरह का व्यवहार अंदर करते हैं। एक रिपोर्ट देखिए कि आज इस विधानसभा के आखिरी दिन पहले सिटिंग तक क्या कुछ रहा। विधानसभा की गरिमा हो उठी तार तार, सदन के भीतर निकाली गई भद्दी गालियां, सदन में एक दूसरे पर ताने गए जूते, मारपीट के लिए आमादा हुए विधायक। हरियाणा विधानसभा में तीसरे दिन की कार्यवाही में जो हुआ उसने न सिर्फ सदन की मर्यादा को तार तार किया बल्कि लोकतंत्र की गरिमा को भी छलनी कर डाला। इस व्यवस्था में विधानसभाओं को लोकतंत्र के मंदिर की संज्ञा दी जाती रही है, लेकिन लोकतंत्र के इसी मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपकी नजरें भी शर्म से झुक जाएंगी और माननीयों के ऐसे बर्ताव पर आपका खून भी खौल उठेगा। जी हाँ, ये सब कुछ हुआ है हरियाणा विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही में, जिसमें अपने तल्ख तेवरों के लिए जाने जाने वाले पलवल से कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल ने कुछ ऐसा कर डाला जिसने सदन की कार्यवाही को लड़ाई के मैदान में तब्दील कर दिया। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता और पलवल से विधायक करण सिंह दलाल आधार कार्ड के कारण राशन न मिलने के मामले पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाना चाहते थे। इस दौरान टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि आधार के कारण लगभग 25 लाख लोग राशन लेने से वंचित रह गए, जिससे पूरा प्रदेश कलंकित हुआ है। हरियाणा प्रदेश के लिए कलंकित शब्द के इस्तेमाल किए जाने पर सत्ता पक्ष बीजेपी के विधायकों ने इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने एतराज जताया कि प्रदेश के लिए कलंकित शब्द का इस्तेमाल करना सरासर गलत है। इस पर हंगामा बढ़ा तो विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 10 मिनट के बाद सदन की कार्यवाही जब फिर से शुरू हुई तो वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सत्तारूढ़ दल की ओर से सदन को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी सदस्य की ओर से हरियाणा प्रदेश के लिए कलंकित शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। इस पर उन्होंने सदन में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला से भी अपनी बात रखने को कहा, जिस पर नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सदन में इस पर प्रस्ताव लाना चाहिए और हरियाणा प्रदेश के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल करने वाले विधायक करण सिंह दलाल को सदन से बाहर करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष की ऐसी तीखी टिप्पणी पर करण सिंह दलाल और अभय चौटाला के बीच बहस हो गई। बहस यहाँ तक पहुँच गयी कि अभय चौटाला ने अपना जूता निकाल लिया। इसके बाद करण सिंह दलाल ने भी अपना जूता निकाल लिया। इसी गर्मा गर्मी के बीच दोनों ने ही एक दूसरे को अपशब्द कहे। बात तो यहाँ तक बढ़ गई कि बीच बचाव के लिए सदन में मार्शल तक बुलाने पड़े। इसके बाद कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। 15 मिनट बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, जिसके बाद एक प्रस्ताव सदन के पटल पर लाया गया जिसमें विधायक करण सिंह दलाल के आपत्तिजनक शब्दों और व्यवहार को देखते हुए उनके 1 साल के निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया। हालांकि इस बीच कांग्रेस के विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। राजनीति डेस्क, जनता टीवी। जी, इस गहमा गहमी के बीच जब मुख्यमंत्री सामने आए तो कुछ ऐसी भी बातें, कुछ ऐसी भी घोषणाएं, कुछ ऐसी सौगातें भी आईं जो जनता के हित के लिए। मैं इसकी निंदा करता हूं और बाकी सेशन में स्पीकर साहब उसको देखेंगे और जो उनकी अनुकूल जो भी कुछ उनके नियम होंगे, जो उनके नियम होंगे, जिस हिसाब से उनको कार्रवाई करनी होगी स्पीकर साहब करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मर्यादाएं जो हैं बना के रखनी चाहिए। आज मर्यादाएं तोड़ी गई हैं, ये अच्छा नहीं। और इसी मसले पर अभय चौटाला ने भी अपना एक रिएक्शन दिया है, सुनिए जरा। तो अगर कोई भी व्यक्ति हमारे प्रदेश का नहीं, अगर दूसरे प्रदेश का भी कलंकित है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए।
तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई दूसरे प्रदेश का या दूसरे देश का व्यक्ति हरियाणा को कलंकित करे और हरियाणा पे कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग करे तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। हाउस के अंदर अगर कोई मेंबर इस किस्म की भाषा बोले तो उसको पूरे कार्यकाल के लिए निलंबित कर देना चाहिए, ताकि प्रदेश की जनता को यह संदेश जाए कि उसके अंदर जितने मेंबर बैठे हैं वो इस प्रदेश को सर्वप्रिय मानते हैं, प्रदेश उनके लिए पहले है, चाहे सदस्य किसी भी पार्टी का, सदस्य उसके लिए बाद में है, उस सदस्य का कोई मायना नहीं। ये अभय चौटाला का रिएक्शन सुन रहे थे, लेकिन गहमा गहमी जिनके साथ हुई वो भी हैं विधायक करण दलाल, उनका भी रिएक्शन सुनिए आप। हम मैं करता हूं तो उस सारी बातों को देखते हुए इन्होंने ये अमर्यादित गैर कानूनी नियमों के विरुद्ध जो फैसला किया है, हम इनका जवाब देंगे कोर्ट के अंदर, लोगों के अंदर और इसी सदन के अंदर आकर के इनका इस जो इन्होंने आज ये इस तरह से तानाशाही जो आदेश जारी किया है इसका जवाब देंगे। जूते निकाले तक की नौबत क्यों आ गई सर? ये तो उनसे पूछे जिसने जूता उठाया, उनका खानदानी काम ही ये है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हरियाणा के अंदर इनका मुकाबला करने वाले लोग भी हैं। मैंने चौटाला परिवार का हमेशा मुकाबला किया है। आज तो इन गहमा गहमियों को लेकर कुछ और विधायकों ने भी अपना रिएक्शन, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है सामने, जरा सुनिए एक एक कर। कड़ा एक्शन उसके खिलाफ होना चाहिए था, विधानसभा ने वो निर्णय लिया, मैं उसको अच्छा मानता हूँ कि निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन जो घटना हुई और जिस तरीके से जो सीनियर मेंबर के नाते में ये घटना उसने करने का काम किया, उसके लिए मैं उनके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। नहीं होनी चाहिए थी, कर्ण सिंह दलाल की थी और मजबूरन अभय सिंह जी को भी जो है, जब एक आदमी बिल्कुल ऊपर चढ़ करके आ गया तो फिर उसका जवाब तो देना पड़ा। लेकिन ऐसा जवाब सदन में देना क्या उचित है गंगवा साहब? आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं सदन की मर्यादा टूटी है? अगर आपके ऊपर कोई चढ़ करके आ जाए और आपके पास कोई चारा ना रहे तो फिर इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। के अंदर कोई मर्यादा वाली बात तो रही नहीं, हर तरीके से जो है गाली गलौज होती है, हर तरीके की शब्दावली इस्तेमाल होती है और ये इसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की होती है, उसके बाद जो है विपक्ष की होती है। सत्ता पक्ष अगर इस बात से गुरेज करे तो विपक्ष भी जो है अपना अपने आप को अंकुश में रखेगा, लेकिन वो बात इस सदन के अंदर जो है पिछले चार सालों में नहीं हुई है, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात के अंदर कि जो व्यक्ति चार चार बार पांच पांच बार विधायक रहा, अंदर उससे कुछ सीखने को मिलेगा। कर्णदलाल की जहां बात आती है, मैं प्रेरित कमेटी का मेंबर भी हूं, पहले भी इसके पर इस प्रकार की कार्रवाई हुई है, पहले भी इसने ऐसी घटनाएं की हैं और वो हमारे पास लंबित है केस, और उसने जिस प्रकार से हरियाणा को, हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को, हरियाणा के शहीदों को और इस मातृभूमि को इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो विधानसभा के इस मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन आखिरी दिन जिस तरीके की गर्मा गहमी देखने को मिली है और जिस जो अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, जो फिजिकल एक्शन वहाँ पर हुए वो भी किसी भी लिहाज से एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन इन गहमा गहमी के बीच एक अलग ही दिशा में ये पूरी की पूरी कार्यवाही जो है वो चली गई, क्योंकि अदरवाइज आज पूरे अगर दिन की बात करें तो कई और मसले भी थे जिस पर चर्चा होनी थी, चाहे वो इनेलो की तरफ से रहे हों या कांग्रेस की तरफ से रहे हों या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से रहे हों, लेकिन इस एक इंसिडेंट ने मामले को बहुत इधर से उधर करने का काम किया है। खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये सबसे पहले मिलवाते हैं आपको। प्रदीप दबास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यकारी संपादक जनता टीवी के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रमन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है रमन सिंह साहब। भाजपा की तरफ से नीलम चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत नीलम जी आपका। और रविंद्र ढोल साहब हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो प्रदीप डवास जी, आप ही से मैं एक रिएक्शन चाहूँगा कि आज जिस तरह की चीज़ें हुई सामने में, किसी भी लिहाज से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता इन सारी चीज़ों को? निश्चित तौर पर देखिए, आज जिस तरह की मर्यादा सदन की समझी जाती है, लोकतंत्र के हम कहें कि मंदिर है लोकतंत्र का, विधानसभा या लोकसभा जो जितने भी ये बड़े वो हैं, तो निश्चित तौर पे एक मर्यादा का उल्लंघन तो हुआ ही है। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, और ये कांग्रेस की ओर से या इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से, दोनों विपक्षी दल हैं, इंडियन नेशनल लोकदल मुख्य विपक्षी दल है, जिस तरह से जो उदाहरण पेश किया गया है, जो जिन लोगों ने चुन के इन लोगों को विधानसभा तक भेजा है और जिन लोगों ने भरोसा जताया था कि क्या ये लोग हम या पब्लिक की या जनता की बातों को विधानसभा में उठाएंगे या उनके लिए जो है लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे एक वाक्य ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। अपमान हुआ है सदन का भी, हम सीधे तौर पर कहें तो
जहाँ बहस होनी चाहिए वहाँ जूते उतारे जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। और ये निश्चित तौर पे एक ठीक उदाहरण नहीं है लोकतंत्र की बात करें तो उसके लिए भी, और विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के भी लोग जो है इसकी निंदा कर रहे हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल के भी बड़े लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से ये हुआ है, हालांकि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं लेकिन दोनों ही पार्टियां जो है इसको ठीक नहीं मान रही। तो निश्चित तौर पे ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। आप बहस के लिए आइए, आप मुद्दे उठाइए, आप लोगों के हितों की बात कीजिए, चाहे विपक्ष का काम है मुद्दे उठाकर सरकार को जागरूक करना, जिस चीज़ को जनता चाहती है वो सरकार के सामने लेके आना। तो निश्चित तौर पर आज हुआ ऐसा है कि जो नहीं होना चाहिए था, एक ऐसा उदाहरण पेश किया गया है जो जनता को शायद पसंद ना आए। रविंद्र ढुल साहब, किसी भी तरीके का कोई अफसोस इंडियन नेशनल लोकदल को कि आज जो घटना घटी? अंदर एक पहले मैं दो तीन चीजें स्पष्ट कर दूं। आपने सत्ता पक्ष का नाम लेना शायद आप भूल गए, मैं आपको बता दूं। लेकिन कतई मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूं कि करण सिंह दलाल जी के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार का अमर्यादित आचरण आज तक, ठीक है जरा रमन सिंह से, रमन सिंह जी से भी एक रिएक्शन लेते हैं ढुल साहब। अमर्यादित के ऊपर इसको बीच में शामिल करने का काम करें, भाजपा के सीनियर मंत्री के द्वारा जिस प्रकार इन लोग विधायकों को गलत बोलने का काम किया गया उसका भी, ठीक है उसका जवाब तो नीलम जी से लेंगे, लेकिन सबसे पहले रमन सिंह साहब आपसे एक रिएक्शन ये है कि आप लोग के पास कुछ खास एजेंडा नहीं था क्या, और इस तरह के शब्दों को उठा करके आप लोग क्या चाहते थे करना? साकेत जी, हर लीडर माननीय और सम्मानीय है क्योंकि वो जनता जनार्दन द्वारा चुनकर विधायक पालिका में और विधानसभा में बड़ी उम्मीद से लोग उनको भेजते हैं कि हमारे मुद्दे उठाएंगे, 36 बिरादरी की बात करेंगे और हर किसी किसान मजदूर दुकानदार की बात को लेकर आगे आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह के आंचलन, इस तरह की मर्यादाओं को तोड़ने वाली सामने आएंगी प्रतिक्रियाएं या जो कुछ आज घटना हुई है उसका हम कड़े शब्दों में, मतलब गहराई में जाके जितना भी कहें वो बहुत ही निंदनीय है। तो ऐसा कभी नहीं होगा। करण दलाल जी की निंदा करते हैं ना, उनकी हरकत की निंदा करते हैं, उन्होंने जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उसकी आप निंदा करते हैं। लेकिन लेकिन हम इसमें एक बात में बिल्कुल जाना चाहेंगे, नहीं पहले पहले आप उधर उधर जाएं, उससे पहले मैं एक क्लैरिटी और चाहता हूं। रमन सिंह साहब, क्या आपको ये लगता है कि जो कदम करण दलाल जी की तरफ से उठा, जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से उठाया गया, जिस शब्द कलंकित शब्द का इस्तेमाल अपने प्रदेश के लिए किया गया और उसके बाद जब बात आगे बढ़ी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीजें गलत थी, गलत हैं? मैंने पहले बिल्कुल स्पष्ट कहा है सम्मान करना चाहिए इन चीजों का, विधायक पालिका भी सम्मानित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक शख्स जूता निकाल ले, गाली गलौज पे उतराए, या इसमें गहराई में जाएंगे चर्चा करने के लिए आए हैं, सब कोई जानता है कि किसका रवैया कैसा है। यहाँ मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने नहीं आया, लेकिन जनता जनार्दन भी इन बातों को अच्छी तरह से जानती है। नहीं तो आपको लगता है कि अभय चौटाला दोषी? और ये एक तरफ कार्रवाई करना और अब अगर वो दोषी होते सर
तो फिर मेरा कहने का मतलब एक ये है, अभय चौटाला जी पर कोई कार्रवाई इन्होंने की नहीं, ये इन दोनों पार्टियों की मिली जुली एक समझ में आता है सब कुछ दुनिया। चलिए ठीक है, मैं नीलम चौधरी जी से एक चीज जानना चाहता हूँ। नीलम चौधरी जी, आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते आप भी यही कहेंगी, लेकिन जो हुआ वो गलत था, कार्रवाई भी की गई, लेकिन कुछ आरोप आपकी पार्टी पर भी, सत्ता पक्ष पर भी लगा रहे थे रविंद्र ढोल साहब। जी देखिए, आज जो भी सदन में हुआ है उसकी मर्यादा का तो उल्लंघन हुआ है, जो किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं कही जा सकती, किसी के लिए भी नहीं कही जा सकती। और यहाँ तक कि जो जब बात जूतम बाजार तक आ जाए, गाली गलौज तो है ही है, तो वो तो एक लिमिट को ही क्रॉस कर देते हैं। सब लोग देख रहे होते हैं अपने हरियाणा के असेंबली को, रिप्रेजेंटेटिव्स को देख रहे हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, तो उसका एक बहुत बुरा इफेक्ट जाता है। और इसमें ना केवल उसकी मर्यादा भंग होती है, एक जो बहुत बहुमूल्य समय होता है जो डिस्कशन के लिए रखा जाता है, वो इनकी आपस की लड़ाई की वजह से और इस तरीके से वो वेस्ट भी होता है। तो ये तो आपके लिए फायदेमंद चीज है ना, आप फंसेंगी नहीं, चाहे किसी भी पार्टी से, किसी भी, अच्छी बात है वो कि इनेलो और कांग्रेस उलझ जाए आपस में, विपक्षी दल और विपक्षी दल अगर उलझ रहा है आपस में, तो ये तो सत्ता पक्ष के लिए अच्छी बात है ना। देखिए ना, समय भी तो व्यर्थ जाता है जिस समय समय के लिए अगर आप इतने चिंतित होते तो इतनी कम अवधि का मानसून सत्र बुलाते ही क्यों, अगर समय को लेकर के इतने ही चिंतित होते आप तो। इतनी कम अवधि में आप देखें ना, आज कितने अच्छे डिसीजंस हुए हैं, ऑनरेबल सीएम साहब ने कितनी घोषणाएं भी की हैं, और जो कि मानसून सत्र को चुनावी सत्र तो नहीं बना रहे हैं आप, जो गरीब लोगों के लिए है, नहीं चुनावी सत्र नहीं है, लेकिन अपनी कुछ घोषणाएं तो रखी जाती है ना आप उस एक एक बड़ा ही विशिष्ट समय है जिसको की लड़ाई करके संसद की पार्लियामेंट की या असेंबली की मर्यादा को भंग करके, आप मर्यादा की लगातार बात कर रहे हैं, मर्यादा का सवाल तो रविंद्र ढोल साहब ने भी उठाया है नीलम जी, मर्यादा का सवाल तो रविंद्र ढोल साहब ने भी उठाया, अपने कुलीग जो चुने हुए सदस्य अगर बैठे हैं सदन में और उनको अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई मंत्री करता है, लोगों ने देखा है, उस पे जवाब दीजिए आप। जी देखिए, आपने जी आपने देखा ना इनका लाइव टेलीकास्ट, किस हद तक ये लोग एक दूसरे की तरफ चले गए थे, इस तरह से जूतम बाजार पर आकर पूरी की पूरी मर्यादाओं का आप उल्लंघन कर देते हैं, इसको आप किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। उछल कूद वाले सवाल पे जवाब दीजिए नीलम जी, उछल कूद वाले सवाल पे जवाब दीजिए, बातचीत होती है, ये मर्यादा है बंदरों की तरह उछल कूद, तो अपना बिहेवियर ठीक रखे ना, उसमें क्या है, ये मर्यादा है कि इनेलो के एक विधायक जो है, आपकी मर्यादा भी जूते निकाल के खड़े थे आप असेंबली में, मैंने परफॉर्मेंस की बात कही है मैडम प्लीज। और दूसरी चीज, जब लंच के बाद में अभय सिंह जी जब बोलना शुरू हुए, लंच से पहले की बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे ही नेता प्रतिपक्ष ने 0 आवर में बोलना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा जो है नारे लगाए गए। अब ये बताएं कि नारे लगाना काम कब से सत्ता पक्ष का हो गया, ये अक्सर विपक्ष करता है भारत के अंदर, कोई शक नहीं, लेकिन यदि नेता प्रतिपक्ष खड़ा होकर तमाशे भी नहीं करता, जिससे अपने उनके खिलाफ मर्यादित टिप्पणी करे सत्ता पक्ष का एक सीनियर मंत्री, और आप उसे कह रहे हैं कि छोटी बात है असेंबली में, इस तरह के सीन हमने देखे हैं, कश्मीर के असेंबली में कई बार होता था, तमिलनाडु में होता था, हरियाणा के असेंबली में हमने कभी इस तरह से नहीं देखा कि जूते उठा के आप एक दूसरे के ऊपर फेंके, तो इसके लिए तो इनसे भी माफी मांगनी चाहिए था। और इसीलिए इनको जिस तरह के जो प्रावधान है, एक प्रस्ताव पारित किया गया था, वो भी लाया गया है इनके लिए, तो इस तरह की चीजें कभी भी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए दोनों पक्षों को, नीलम जी एक आरोप ये भी लग रहा है, एक आरोप नीलम जी ये भी लग रहा है, एक आरोप नीलम जी ये भी लग रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आपने जो प्रस्ताव लेकर के आप लोग आए वो करण दलाल के खिलाफ था, क्या आप लोगों को नहीं लगा कि जो प्रस्ताव है उसमें अभय चौटाला का भी किसी तरीके का कोई योगदान रहा है इस पूरे सिनेरियो में? जी, वो जो प्रस्ताव था उन्होंने एक कलंकित शब्द हरियाणा के लिए इस्तेमाल किया गया था, उन शब्दों के प्रयोग के लिए ही उनके अगेंस्ट वो प्रस्ताव लाया गया था। चलिए एक छोटे से ब्रेक ले, यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बेहद ही गहमा गहमी आज इस आखिरी दिन रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जहां तक पहुंचना चाहिए था, जो मकसद था इस मानसून सत्र का, क्या उसे अचीव कर पाए।